यहाँ पे खबर आ रहा है कि करीबन 19 जो ऑपोजिशन पार्टी है वे आके यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने वाली है पार्लियामेंट इनोग्रेशन के अंदर। जैसे कि यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि बाइकॉट किया गया है करीबन 19 पार्टीज के द्वारा। अगर हम बात करें जो फेमस पार्टी है वो है यहाँ पे आम आदमी पार्टी, TMC, DMK और भी कई सारे अलग अलग पार्टीज यहाँ पे विरोध करते हुए नजर आए। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि इलॉन मस्क ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है इंडिया के अंदर भी टेस्ला का नया फैक्ट्री बनाया जाएगा। जैसे कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक न्यूज़ पत्रिका जो कि है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने यहाँ पे इलॉन मस्क से पूछा था कि क्या वे आके इंटरेस्टेड है इंडिया के अंदर प्लांट लगाने के लिए। उसी को आके यहाँ पे जवाब देते हुए इलॉन मस्क को देखा गया कि एब्सोल्युटली, मतलब आके यहाँ पे जरूर आके यहाँ पे नया प्लांट बनाया जाएगा इंडिया के अंदर और जल्दी आके इसका घोषणा भी किया जाएगा। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पूर्व PM इमरान खान का यहाँ पे जो पार्टी है उसको बैन किया जा सकता है पाकिस्तान के अंदर। जैसे कि आपको पता है इमरान खान का जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तानी तरीके इंसाफ, उसको आके जल्दी आके यहाँ पे बैन किया जा सकता है पूरे देश में। यहाँ पे ये न्यूज़ आ रहा है सीधा डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ के द्वारा, जिन्होंने आके यहाँ पे स्टेटमेंट जारी किया है। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि राहुल गांधी को देखा गया हरियाणा के अंदर ट्रैवल करते हुए एक ट्रक के अंदर। जैसे कि आपको पता है वेनेसडे को यहाँ पे रिलीज किया गया था एक वीडियो जहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने आके क्लेम किया है कि जो राहुल गांधी है वे पहुंच चुके हैं ट्रक वालों के बीच में और जो उनका समस्या है उसके बारे में आके यहाँ पे बातचीत करते हुए नजर आए। उसी के साथ हरियाणा के जो होम मिनिस्टर है अनिल विज, उन्होंने आके यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि अगर राहुल गांधी को चाहिए था ट्रक का टूर तो उनको आके यहाँ पे पहले से बोलना चाहिए था। यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि कांग्रेस के नेता प्रियंक खड़गे ने आके यहाँ पे स्टेटमेंट जारी कर दिया है जहाँ पे उन्होंने कहा है कि कर्नाटक गवर्नमेंट आके यहाँ पे वापस लेने वाला है बिल और ऑर्डर, जो कुछ भी आके यहाँ पे लागू किया गया था पुराने BJP गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि पंजाब के CM भगवंत मान को मिला है Z+ सिक्योरिटी, जहाँ पे आपको पता होगा कि भगवंत मान को कई सारे जगहों से धमकी भी मिल रहा है। उस वजह से यहाँ पे देखा गया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलॉट किया है Z+ सिक्योरिटी, जिसके अंदर करीबन 55 CRPF के जवान रहेंगे और उसी के साथ आके यहाँ पे पुलिस भी इनको गार्ड करेंगे। यहाँ पे खबर यह आ रहा है कि मुंबई इंडियंस के प्लेयर ने आके यहाँ पे ट्रोल किया है लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर नवीन उल हक को, जहाँ पे हम लोगों ने देखा है हर एक बार जब भी विराट कोहली आके यहाँ पे हारते थे या फिर RCB यहाँ पे हारती थी तो उन्होंने यहाँ के पोस्ट किया था अपने स्टोरीज के अंदर मैंगोस। तो इस बार देखा जा सकता है मुंबई इंडियंस ने आके पोस्ट किया है एक फोटो जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं नवीन उल हक का जो रिएक्शन है सेम उसी तरह का यहाँ पे बनाया हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि जर्मन इकोनॉमी एंटर कर चुका है रिसेशन। जैसे कि यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि करीबन 0.3% आके यहाँ पे गिर चुका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और कहा जा रहा है कि फर्स्ट क्वार्टर जो 2023 है उसके अंदर देखा गया है डाउनफॉल। उसी के साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि 0.5 का आके यहाँ पे दिखा गया था डाउनफॉल फोर्थ क्वार्टर में 2022 के। यहाँ पे एक वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल जा रहा है सलमान खान और उसके एक छोटे फैन के द्वारा। जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो एक्टर सलमान खान यहाँ पे जा रहे थे और उसी के साथ उनके जो छोटे फैन है वे आके यहाँ पे देख रहे थे सलमान खान को। जब सलमान खान ने उनको देखा तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो छोटा फैन है वे भागते हुए आया और हम लोग देख सकते हैं सलमान खान का जो सिक्योरिटी पर्सन है वे भी यहाँ पे घेर रहे थे सलमान खान को। हम लोग देख सकते हैं सलमान खान ने हक किया है इस छोटे बच्चे को। यहाँ पे खबर ये आ रहा है कि महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे और डिप्यूटी CM देवेंद्र फडणवीस को देखा गया यहाँ पे इंस्पेक्ट करते हुए मुंबई के ट्रैश हार्बर लिंक को। जैसे कि आपको पता है यहाँ पे कहा जा रहा है कि भारत का सबसे बड़ा सी ब्रिज बनने वाला है और हम लोग देख सकते हैं दोनों नेता एक साथ एक कार के अंदर ड्राइव करते हुए। जैसे कि आपको पता है ये कार आके यहाँ पे ड्राइव किया गया है MTHL के पास और आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हो देवेंद्र फडणवीस ने इस वीडियो को शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पे। कहा जा रहा है कि कहीं लंबे टाइम से आके यहाँ पे वेट किया जा रहा था मुंबई की जनता की तरफ से कि ये ब्रिज जल्द से जल्द बन जाए और आके इसके वजह से यहाँ पे लोगों का जो टाइम है वो बच सकता है। जैसे कि आपको पता है कई सारे लोगों को दिक्कत होता है सिटी के अंदर से जाने के लिए तो उस वजह से आके यहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है। आपका क्या राय है आप आके नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उम्मीद है कि आपको कुछ नया जानकारी मिला होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। थैंक यू।